हैदराबाद स्थित कीट प्रबंधन सॉल्यूशंस कंपनी एटीजीसी बायोटेक प्राइवेट लिमिटेड एक नया उत्पाद लॉन्च किया है। ये उत्पाद कपास की फसल में लगने वाले पिंक वॉलवर्म की जनसंख्या को नियंत्रित करेगा। ये उत्पाद कपास की पैदावार बढ़ाने में भी सहायक होगा। एनटीजीसी बायोटेक प्राइवेट लिमिटेड के एग्जीक्यूटिव चेयरमैन एवं मैनेजिंग डायरेक्टर डॉक्टर मार्गडे गोरेंटला ने कहा कि यह कीटों की उत्पत्ति को रोकने वाला एक फॉर्मेन आधारित उत्पाद है। उसके साथ ही इस नए प्रोडक्ट को लेकर तमाम एक्सपर्ट से जनता टीवी ने खास बातचीत भी की। कपास में गुलाबी सुंडी का प्रकोप है, उससे राहत के लिए एक नई जो है वो पेस्टिसाइड जो है वो आज लॉन्च हुई है और क्रेमिट PBW ये जो है वो लॉन्च की गई है। इसमें किस तरीके से गुलाबी सुंडी से किसानों को राहत मिल सकती है, कैसे जो इसके ऊपर काम करेगी गुलाबी सुंडी को मारने के लिए, तमाम जो डॉक्टर्स हैं जो खेती बाड़ी से जुड़े हुए यानी किसानों को लेकर जो जानकारी इनसे मिल सकती है वो और ज़्यादा बेहतर कहीं से नहीं मिल सकती है। तो ये क्रेमिट क्या है और किस तरीके से किसानों को इसका फ़ायदा होगा, इन तमाम पहलुओं पर बातचीत करेंगे। सबसे पहले डॉक्टर मार्कंडे हैं जो ATGC के MD हैं। सर, क्या ये जो आपने क्रेमिट PBW लॉन्च की है, क्या खास है इसमें, किसानों को गुलाबी सुंडी से कैसे राहत देगी? ये मेटिंग डिसरप्शन टेक्नोलॉजी है। इस प्रोडक्ट से पॉपुलेशन डेवलपमेंट ही नहीं होता है, ताकि कुछ इंसेक्टिसाइड के यूज़ की जरूरत ही नहीं है। हाँ, आप क्या कहेंगे, ये जो क्रेमिट PBW है ये किसान को कैसे राहत देगी, चूँकि किसान आखिर भरोसा क्यों करें इसके ऊपर? मतलब किसान अपनी फसल लगाता है, BT जब वो बिजाई कर रहा है तो उसके जहन में ये कि कोई बीमारी आएगी नहीं, लेकिन गुलाबी सुंडी फिर BT में भी आ गई, तो फिर कैसे भरोसा करें? गुलाबी सुंडी का प्रकोप जो BT कपास में हो चुका है, जैसा कि आपको भी पता है कि 2018-19 से ये पूरे उत्तर भारत में स्टार्ट हो गया था। रही बात जो क्रेमिट की, क्रेमिट जो है ये एक स्प्लैट जो टेक्नोलॉजी उसी का एक हिस्सा है। इसमें हम एक ही एकड़ में 400 जगह पे इसको पेस्ट की तरह लगाते हैं। इसका किसानों को फायदे की बात यह है कि मेरे सारे किसान भाई जो कीटनाशकों पे निर्भर करते हैं, जब भी उनको कोई कीड़े की समस्या आती है तो वो कीटनाशकों का छिड़काव की तरफ भागते हैं, परंतु यह एक नॉन टॉक्सिक टेक्नोलॉजी है। ये एक ऐसी तकनीक है जिसमें केमिकल इंसेक्टिसाइड्स की इन्वॉल्वमेंट नहीं है, ये नॉन केमिकल और एक सेफर तरीका है। ये कह रहे हैं कि क्रेमिट जो है वो एक ऐसा प्रोडक्ट है जिससे जो नर कीट है वो मादा के साथ संभोग नहीं कर पाएगा, लेकिन ये वाकई में किसानों को कितना समझ आएगा इसके लिए भी बातचीत करेंगे। डॉक्टर साहब, क्या किसान जो है वो इस चीज़ को बहुत बेहतर तरीके से समझ पाएगा, एक पौधे पर एक बीट लगाना, उसके बाद फिर 4 फीट के बाद दूसरा बीट लगाना, और इससे जो है वो बीमारी मर जाएगी, गुलाबी सुंडी मर जाएगी, किसान को यकीन हो जाएगा? कि किसान अभी जो स्प्रे कर रहे हैं इससे ये बेटर टेक्नोलॉजी है। जब फार्मर्स यूज़ करते हैं उसके बाद वो अपना आप समझ जाएगा ये जितना बेटर तरीका है वो इंसेक्टिसाइड से। तो गुलाबी सुंडी से किसान काफ़ी परेशान रहा है 2018 में, जब ये बीमारी जो कपास की फसल में किसानों को मिली थी। आपसे जानना चाहूँगा इसकी क्या बारीकी है, चूँकि किसान जो है वो जब BT जब लॉन्च हुआ तो ये किसान के जहन में आया कि अब जो है वो सुंडी का जो प्रकोप कपास की फसल में होता था उससे हम बचेंगे, लेकिन अब BT में अब गुलाबी सुंडी का प्रकोप और उसका अभी ये जो क्रेमिट PBW बता रहे हैं ये कितनी कारगर है? देखिए, इसमें ना दो चीज़ें हैं। पहले हमें ये समझना ज़रूरी है कि जो हम ये कह रहे हैं कि BT जो है, BT में अब गुलाबी सुंडी का हमला नहीं, BT में एक्चुअली BT के विरुद्ध इसमें सहनशीलता आ गई है। पंजाब में हम इसको हर एक ज़िले में हर एक गाँव को पूरे को अडॉप्ट किया है। जितना गाँव का एरिया है वो जो क्रेमेट है और नेटमेट है, ये दो टेक्नोलॉजी जो सेम ही है, उसको लेके हमने वहाँ पर अडॉप्टेड, वहाँ हम डेमोन्स्ट्रेट कर रहे हैं टेक्नोलॉजीज को, और अगले साल हम आपको इस चीज़ जो हमारे रिसर्च ट्रायल्स हैं उनका मुझे लगता है बिल्कुल हूबहू वैसा ही रिजल्ट आएगा। फार्मर खुद ये बोलेंगे कि हमारे पास ये टेक्नोलॉजी ने काम किया है, हमारे जो गाँव अडॉप्ट किए गए थे उनमें ये कम था या ज़्यादा था, जैसा भी होगा वो बिल्कुल सामने आ जाएगा। कृषि से जुड़े हुए साइंटिस्ट यहाँ पहुँचे थे, इसके अलावा जो ATGC है और जो ये क्रेमिट लॉन्च की गई है जिनकी तरफ से, उनके भी प्रतिनिधि यहाँ पर मौजूद थे। इनका दावा है कि गुलाबी सुंडी के प्रकोप को क्रेमिट PBW जो है वो ख़त्म करेगी और किसान की इससे लागत भी कम होगी, यानी किसान का कोई पेस्टिसाइड का जो ज़्यादा खर्च है वो नहीं होगा। लेकिन इस दावे में कितनी हकीकत होगी ये जब इसका इस्तेमाल जब किसान करेगा तो किसान ही बता पाएगा, लेकिन हम भगवान से दुआ प्रार्थना यही करते हैं कि किसान की फसल में किसी तरह की बीमारी ना ही आए, ताकि किसी भी इस तरह के प्रोडक्ट का इस्तेमाल किसान को ना करना पड़े। वीडियो जर्नलिस्ट
विजेंद्र सिंह के साथ पवन सिंह और जनता टीवी चंडीगढ़।